जवानी लौट जाने के बाद जब निकाह हुआ, हजरत जुलेखा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के प्यार में अंधी हो चुकी थी, प्यार में पागल हो गई थी, उंगलियां काट रही थी औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर, जब उन लोगों के ताने सुने हजरत जुलेखा ने, उनके बुढ़का बुढ़ापा आ गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही की दुआ से उनकी जवानी लौटी। जवानी लौट जाने के बाद जब निकाह हुआ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत जुलेखा का, हजरत जुलेखा दूर दूर तक रहने लगी, दूर दूर रहने लगी हजरत यूसुफ से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, जुलेखा मेरे करीब आने के लिए, मेरा कुर्ब पाने के लिए, मेरी नजदीकी पाने के लिए समाज के ताने झेली, समाज की बदनामियां सही, मगर अब जब मैं हासिल हो गया हूँ, जब मेरा कुर्ब हासिल हो गया है, तो मुझसे दूर दूर क्यों रहती है? हजरत जुलेखा फरमाती है, जब तक मैं तेरे करीब नहीं आया था, मैंने तेरे खुदा को नहीं जाना था, मगर अब तेरे करीब आकर मैंने तेरे जरिए खुदा की पहचान हासिल कर ली है। जोर से बोले, जोर से बोले, मैंने खुदा की पहचान हासिल कर ली है। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तस्लीम फरमाते हैं, खुदा तेरी कोख से पैगंबर पैदा फरमाने वाला है। तब हजरत जुलेखा करीब गई, मैं कहता हूं इंसान को अपना कैरेक्टर इतना साफ और शफाफ रखना चाहिए। अंकिता नाम की लड़की से शाहरुख लड़के ने प्यार किया।